बुर्किना फासो को अब रूस जो है फ्री में हथियार देने वाला है। इस खबर के बाद हलचल मच गई है क्योंकि बुर्किना फासो के पड़ोसी देश नाइजर में तख्तापलट हुआ है और वहां पर फ्रांस के एम्बेसी पर जब हमला हुआ तो वहां पर रूसी झंडे लहराए गए। इसके अलावा माली में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी इस बात को पुख्ता कर रही है कि रूस ने अफ्रीका में खेल कर दिया है। अब इस तख्तापलट के बाद बुर्किना फासो के शासक और राष्ट्रपति के तौर पर राज कर रहे 35 साल के जनरल इब्राहिम तरोरे ने साफ कर दिया है कि वो अफ्रीका के गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं और उन्होंने फ्रांस और अमेरिका को चुनौती दे दी। तरोरे ने देश से अमेरिका और फ्रांस जाने वाले यूरेनियम और सोने के निर्यात को भी प्रतिबंधित कर दिया है। इस कड़ी में सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि तमाम अफ्रीकी देश जो हैं अब अमेरिका और फ्रांस के खिलाफ जाने लगे हैं और इन सभी आवाजों में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति की आवाज सबसे ज्यादा मुखर है। बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम तरोरे ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि अब असली लड़ाई आजादी के लिए शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका में पश्चिमी शासन की गुलामी का समय समाप्त हो गया है और पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब या तो मातृभूमि या फिर मृत्यु। मेरी पीढ़ी को यह समझ ही नहीं आता कि अफ्रीका, जिसके पास इतनी संपत्ति है, आज दुनिया का सबसे गरीब महाद्वीप कैसे बन सकता है। अफ्रीकी नेता भीख मांगने के लिए दुनिया भर की यात्रा क्यों करते हैं। रशिया अफ्रीका समिट के बाद इस तरह के बयान आना इस बात को साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कौन सा खेल अफ्रीका में रूस ने किया है। अब तक अफ्रीकी देशों में फ्रांस की सेना, अमेरिकी सेना की मौजूदगी थी, लेकिन अब इन तमाम देशों में अब रूस धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में बुर्किना फासो को रूस ने घोषणा की है कि वो फ्री में हथियार देगा और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति ने भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में वो रूस के साथ हैं और वो रूस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन देशों से फ्रांस और अमेरिका जैसे देश यूरेनियम ले जाते थे, अब उनका भविष्य क्या होगा और अफ्रीकी देशों पर इन देशों की पकड़ कैसी रहेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भारी खून खराबा देखने को मिल सकता है क्योंकि नाइजर में तख्तापलट, बुर्किना फासो का ये रवैया और माली के नेताओं का फ्रांस और अमेरिका को लेकर उदासीन रवैया इस बात को दर्शा रहा है कि अब लड़ाई यूक्रेन से शिफ्ट होकर अफ्रीकी देशों तक पहुंच चुकी है और अफ्रीकी देशों के नेता रूस को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के लिए अफ्रीकी देशों की चुनौती उनके लिए हर तरफ से महंगी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।